नमस्कार, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। आज से महाराष्ट्र में दोपहर 4 बजे के बाद सब कुछ बंद, वही 5 जिलों में संपूर्ण लॉकडाउन। इस वक्त एक बड़ी खबर महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में कोरोना के आंकड़े कम होने के बाद उद्धव ठाकरे सरकार ने पाबंदियों में 5 चरणों में ढील दी थी, लेकिन पाबंदियों में ढील के कुछ ही दिनों में कोरोना वायरस और मौतों की संख्या में मामूली बढ़ोतरी हुई। वहीं राज्य में डेल्टा प्लस वेरिएंट का भी खतरा बढ़ता जा रहा है, इसलिए राज्य सरकार ने मौजूदा नियमों में नए बदलाव किए हैं। अब उद्धव ठाकरे सरकार ने राज्य के 31 जिलों को तीसरे लेवल में रखने का फैसला लिया है। इसके साथ साथ 5 जिलों में संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया है। आइए देखते हैं कौन से जिले हैं, कहां क्या पाबंदियां लगी है। वहीं बात करें पुणे की, तो पुणे में पिछले नियमों में बदलाव किया गया। सोमवार से पुणे वासियों को नया नियम पालन करना होगा। सोमवार से पुणे नगर निगम के अंतर्गत आने वाली सभी दुकानें सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक ही खुली रहेंगी और शनिवार संडे को बंद रहेंगी गैर जरूरी दुकानें। वहीं मॉल और सिनेमा घर पूरी तरह से बंद रहेंगे और लोकल ट्रेन में भी आम यात्रियों को लोकल में सफर करने की अनुमति नहीं होगी। वहीं कल्याण डोंबिवली में सभी बिजनेस दुकानें शाम 4 बजे तक शुरू रहेंगे। वहीं शाम 5 बजे के बाद बिना वजह बाहर निकलने पर प्रतिबंध होगा। इसके साथ साथ मॉल सिनेमाघर थिएटर भी बंद रहेंगे। हालांकि रेस्तरा शाम 4 बजे तक 50% क्षमता के साथ खुला रहेगा। वहीं ब्रेक द चेन अभियान के तहत यवतमाल जिले के 28 जून से नए आदेश जारी किए गए हैं। जिले में आवश्यक सेवा की सभी दुकानें शाम 4 बजे तक खुली रहेंगी। दुकानें सोमवार से शुक्रवार शाम 4 बजे तक खुली रहेंगी। वहीं जालना जिले में पाबंदियां लगा दी गई है। शाम 5 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू का आदेश भी दिया गया है। आवश्यक सेवा छोड़कर सभी दुकानें और प्रतिष्ठान शाम 4 बजे तक ही खुले रहेंगे। वहीं चंद्रपुर, बुलडाना, अकोला और अमरावती में भी सोमवार से आवश्यक और गैर जरूरी दुकानें को सुबह 7 बजे से 4 बजे तक ही खोलने की अनुमति होगी। वहीं शनिवार रविवार को गैर जरूरी दुकानें भी बंद रहेगी। इसी तरह राज्य के सभी लेवल 1 और 2 के जिलों को लेवल 3 में शिफ्ट कर दिया गया है। सरकार द्वारा यह फैसला कोरोना की जानलेवा तीसरी लहर के मद्देनजर लिया गया है। सरकार के इस फैसले को लॉकडाउन 3.0 की शुरुआत के तौर पर ही देखा जा रहा है। ऐसे लेटेस्ट खबरों के लिए बने रहे मेट्रो सिटी समाचार में।